ये आज की मुलाकात, आज की मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में आई हैं, इसलिए केवल उनका स्वागत, उनका धन्यवाद और शिष्टाचार मुलाकात करके मैं जा रहा हूँ। ये केवल शिष्टाचार मुलाकात थी। सर, उन्नाव में जिस तरह से कल आप मुलाकात करने गए थे उसको लेकर, उन्नाव की घटना के बारे में आप लोगों के माध्यम से अखबारों में बहुत छपा है, प्रदेश और देश में सभी की जानकारी में है क्या घटना हुई है। और कल भी जब मैं उस परिवार से मिला था, वो परिवार बहुत दुखी है, उसको भरोसा नहीं है प्रशासन पर, उनके परिवार के जितने सदस्य हैं वो भरोसा नहीं करवा रहे हैं प्रशासन पे, इसलिए क्योंकि लगातार उन्हें संघर्ष करना पड़ा है और संघर्ष पहले दिन से करना पड़ा। FIR लिखाने के लिए आत्मदाह तक करना पड़ा, तब FIR दर्ज हुई। लगातार उस परिवार को धमकी मिली और धमकी ऐसी दी गई और उसका परिणाम आप देखिए किस रूप में क्या हुआ उस परिवार के साथ, एक्सीडेंट हो गया और कितने परिवार के सदस्यों की जान चली गई, ऐसा कहाँ हुआ होगा। इसलिए वो परिवार न्याय चाहता है और हमें उम्मीद है कि सरकार न्याय देगी। सर, पिछले वाले और न्याय दिलाने के लिए लगातार पार्टी आवाज उठाएगी, समाजवादी पार्टी। सर, पिछले वाले कहते थे राम राज्य है, अभी लगता है कि मौजूदा जो है वो वास्तविक स्थिति पर बात कर पाएंगी। बहुत धन्यवाद आप सबका।